शहजादों की जो सरकार है, इनमें क्या योग्यता है कोई मुझे बताएगा, क्योंकि मेरी समझ से तो ये बाहर की बात है। राहुल गांधी जी में क्या योग्यता है, ये जो पूरे इंडी गठबंधन के जो कैरेक्टर इकट्ठे हुए हैं, अगर इनमें से किसी भी कैरेक्टर पर कोई घोटाले का अगर आरोप नहीं है तो मैं कहती हूं कि मैं कुछ भी हार जाऊंगी। सबके सब ऐसा लगता है कि एक घोटाले का एक जहरीला मिश्रण जो है इकट्ठे हो गए हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव प्रसाद हो, चाहे डीएमके हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब पे कोई ना कोई बड़े से बड़े घोटाले के जो है आरोप लगे हुए हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का बेदाग चरित्र है, कोई उन पर आरोप नहीं है, कोई उन पर दाग नहीं है। दोस्तों जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं, एक टुकड़ा जमीन का उनके पास नहीं है, कोई घर नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। एक वक्त का खाना खाते हैं, सिर्फ 2 घंटा सोते हैं और सारा दिन बस देश 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 और दूसरी कोई वो बात नहीं करते हैं। एक तरफ तो ऐसे यशस्वी महापुरुष हैं और एक तरफ जो है घोटालों से ग्रस्त, परिवारवाद की दीमक से सड़ रही ये इंडी गठबंधन है दोस्तों। और जिसका एक नजारा, जिसकी जो लीडर है कांग्रेस पार्टी, उसका जो भ्रष्टाचार का नजारा यहां भी हमें देखने को मिल रहा है। आज इनको दया नहीं आती है, ये पूरी जो सड़कें जो गिर गई हैं, मैंने कुछ घर देखे आधे लटके पड़े हैं, इनके दिल जो है वो दहकते नहीं हैं। ये भ्रष्टाचार यहाँ पर इस त्रासदी के समय भी ये इन लोगों का यहाँ पर शुरू है, लेकिन इन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इन्हें भी ईश्वर का डर होना चाहिए। राज्यसभा में इन्होंने देखा कि इनकी कितनी सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी थी, लेकिन जब पर्चियां निकली तो दोनों की दोनों बराबर हो गई, इन्हें भी ईश्वर का डर होना चाहिए। और जब पर्ची निकली तो निकली हमारी भारतीय जनता पार्टी की। ये देव भूमि है, यहां पर इतना भ्रष्टाचार कर जनता का हिस्सा खाकर, जनता को इतना दुख और कष्ट खाकर ये कहीं नहीं जाने वाले। हमारे जयराम जी को कहते हैं कि ये एक हीरोइन लेके आए हैं मुंबई से, और ये जो है एक बेहद ही बकवास डायरेक्टर हैं और ये फ्लॉप फिल्म बनाएंगे, ऐसा ये जयराम जी के लिए कहते हैं। मैं सुखू जी को कहना चाहती हूं कि उन्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे हिमाचल की एक बेटी, 4 में से अगर 1 सीट एक बेटी को मिल रही है तो उनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है, उनको क्यों इतना पेट दर्द हो रहा है। विधानसभा में भी अभी भी 1 ही बेटी को 1 सीट मिली है, और अगर और बेटियां हिमाचल की आना चाहती हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है। जयराम जी ने 5 साल जो है एक स्थिर सरकार चलाई, उस सरकार को अवश्य ही, अगर इसे वो एक फिल्म कह रहे हैं तो जो 5 साल जो है उन्होंने डंके की चोट पर सरकार चलाई उसे एक सुपरहिट सरकार कहा जाएगा। और 18 महीनों में इनके क्या फटे हाल है और 2 महीनों में क्या होने वाला है। सुखू जी, फ्लॉप सरकार किसको कहते हैं आपको 4 जून को पता चल जाएगा, फ्लॉप सरकार किसको कहते हैं। आपकी जब सरकार, हमारी इस लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विधानसभा में जब हमारी हिमाचल की जनता आपको दीमक की तरह निकालकर बाहर फेंकेगी, तब पता चलेगा आपको कि फ्लॉप सरकार क्या होती है। इस तरह की घमंडी बातें ना करें आप।